हाय गाइस, आज इस वीडियो में स्लीपर क्लच के बारे में बात करने वाले हैं कि स्लीपर क्लच होता क्या है और अगर आपके बाइक में स्लीपर क्लच है तो इसका फ़ायदा क्या है। और वीडियो की लास्ट में मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा स्लीपर क्लच का। जिस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है, जैसे कि पल्सर 180 में स्लीपर क्लच नहीं है। पल्सर 180 अगर आप 100 स्पीड पे राइड कर रहे हैं और गियर है 5th गियर में और RPM है 6000 पे, उस टाइम पे आप अगर 1 गियर डाउन शिफ्ट करते हैं, सडनली आप 5th गियर से 4th गियर में शिफ्ट करते हैं, स्पीड 100 स्पीड पे ही है, आपने सडनली 1 गियर डाउन शिफ्ट किया, तो 1 गियर डाउन शिफ्ट करने के बाद क्या होगा कि जो RPM 6000 पे था, RPM ज़्यादा हो जाएगा 1 गियर डाउनशिफ्ट करने के बाद। RPM 6000 से 9000 पे चला जाएगा या इससे ज़्यादा RPM पे भी जा सकता है और आपको झटका लगेगा, साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देगा। ओके, जिस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है उस बाइक में ऐसा होगा, ऐसा होता है। और जिस बाइक में स्लीपर क्लच है, जैसे कि KTM ड्यूक 390, इस बाइक में स्लीपर क्लच है, तो जिस बाइक में स्लीपर क्लच है उस बाइक को आप अगर 100 स्पीड पे राइड कर रहे हैं और RPM 6000 पे है, गियर 5th गियर में है, उस टाइम पे सडनली आप अगर 1 गियर डाउन शिफ्ट किया, 5th गियर से 4th गियर में शिफ्ट किया, तो 1 गियर डाउन शिफ्ट करने के बाद होगा क्या, RPM पहले जिस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं था उस बाइक का RPM 6000 से 9000 प्लस हो गया था, और जिस बाइक में स्लीपर क्लच है वो बाइक 6000 से 7000 RPM पे जाएगा और आपको झटका भी ज़्यादा नहीं लगेगा और गियर डाउन शिफ्ट करने के बाद जो साउंड है, साउंड भी आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। इसका रीज़न है कि जब आपने 1 गियर डाउन शिफ्ट किया उस टाइम पे स्लीपर क्लच किया करता है, स्लीपर क्लच नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है कि स्लिप हो जाना, स्लीपर क्लच स्लिप हो जाना। तो स्लीपर क्लच क्या होता है कि स्लिप हो जाता है, मतलब स्लीपर क्लच इंजन को रियर व्हील से अलग करता है, दोनों को, इंजन को और रियर व्हील को दोनों को सेम स्पीड पे आने देता है। जब दोनों सेम स्पीड पे आ जाता है उस टाइम पे दोनों फिर से एंगेज हो जाता है, मतलब सडनली आप 1 गियर डाउन शिफ्ट किया तो दोनों डिसएंगेज हो गया, स्लीपर क्लच स्लिप हो गया, और जब दोनों फिर से सेम स्पीड पे आ गया तो फिर से एंगेज हो गया। यही स्लीपर क्लच का काम है, इसीलिए झटका ज़्यादा नहीं लगता है आपको, RPM ज़्यादा नहीं होता है, साउंड भी ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। जिस बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है उस बाइक में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, सडनली आप अगर डाउनशिप करते हैं तो, क्योंकि रियर व्हील लॉक भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे। और जिस बाइक में स्लीपर क्लच है उस बाइक में सडनली डाउनशिप करने के बाद भी रियर व्हील लॉक होने का कोई चांस ही नहीं है, एक्सीडेंट होने का भी कोई रिस्क नहीं है। तो गाइस, अभी आपको डेमो दिखाते हैं स्लीपर क्लच का, 100 स्पीड पे और 5th गियर में। आप अगर 5th गियर से 2 गियर डाउनशिफ्ट करते हैं, 5th गियर से 3rd गियर में शिफ्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 2nd गियर में शिफ्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बाइक में स्लीपर क्लच है तो। जैसे कि बाइक 5th गियर में है, स्पीड 100, अभी 1 गियर डाउनशिफ्ट करते हैं, 1 गियर डाउनशिफ्ट किया, फिर से 1 गियर डाउनशिफ्ट किया, फिर से 1 गियर डाउनशिफ्ट किया। ओके,
तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गैस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गैस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस।